नगर निगम के निर्माण विभाग के मेट से पार्षद द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी के विरोध में शुक्रवार को निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने स्टोर रूम में ताला जड़ के कार्य बहिष्कार किया और स्टोर रूम के सामने धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन हमारे साथ नहीं है और न ही किसी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन मिला है, जिसकी वजह से दोषी पार्षद पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जब तक दोषी पार्षद पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम कार्य बहिष्कार करेंगे। इस अवसर पर पीड़ित मेट के समर्थन में निर्माण विभाग के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा कि कर्मचारियों और पार्षदों को सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मामले की जानकारी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है। अति शीघ्र उचित कार्रवाई होने की उम्मीद है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संरक्षण नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति कौशल कुमार शुक्ल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कौशल कुमार शुक्ल, संरक्षक नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति। हाँ, आज तीसरा दिन है कार्य बहिष्कार का, और चूंकि पूर्व में ही कर्मचारियों ने निर्णय लिया था कि जब तक दोषी पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, उस क्रम में आज तीसरा दिन कार्य बहिष्कार का है। और दुख इस बात का है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ, जबकि नगर आयुक्त द्वारा कल एक पत्रक भी भेजा गया था। और ये भी दुख है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी अभी हम कर्मचारियों का हाल चाल लेने के लिए धरना स्थल पर नहीं आया, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और कर्मचारियों ने हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज नहीं होता है तब तक हमारे निर्वाह सेक्शन कर्मचारी हम लोग काम करने नहीं जाएंगे, पूर्ण रूप से तालाबंदी है। कितने कर्मचारी है इसमें समर्थन में? हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारी संगठन है, नगर निगम के सारे कर्मचारी हैं। आज अगर हमारी मांग शाम तक हमारे मतलब मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग कल से नगर निगम प्रांगण में नगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष हम लोग वहां पर धरना देने काम करेंगे, जिसमें नगर निगम गोरखपुर का समस्त कर्मचारी भागीदारी करेगा। स्टोर में कर्मचारियों के साथ और अलहदादपुर वार्ड के पार्षद के बीच इस प्रकार की घटना की जानकारी मिली है, फिर पूरे प्रकरण को लेकर के कर्मचारी उद्वेलित हैं और उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है। सभी से बात की जा रही है और अपर नगर आयुक्त जो है इसको देख भी रहे हैं और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सभी को यह अवगत भी कराया गया है कि अपने व्यवहार को लोग अच्छा रखें, हर आदमी अपना संयम काफ़ी रखे, इस प्रकार लड़ने झड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सभी लोग मिलकर बैठ के समस्या का निराकरण कराएं। साथ ही साथ कर्मचारियों को भी अवगत करा दिया गया है कि जो कोई दुर्व्यवहार करता है तो उनको आप प्रॉपर तरीके से कानून के अधीन ही अपनी मांगों को रखें और विधि संगत कार्रवाई करवाएं। आने जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को इन तथ्यों से अवगत करा दिया गया है और शीघ्र ही उस पर कार्रवाई होने का आश्वासन भी मिला है।